हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं ज्योति, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ जो कि एक पील ऑफ मास्क है। तो आपको कैसे एक पील ऑफ मास्क यूज करना चाहिए और कैसे उसे रिमूव करना है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको उसके मिलते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जिस पील ऑफ मास्क के बारे में बात कर रही हूँ वो हिमालय का 10 रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क है। आपने भी ये पील ऑफ मास्क यूज किया होगा या देखा होगा, तो आज मैं इसी पील ऑफ मास्क को अप्लाई करके बताऊंगी आपको अपने फेस के ऊपर, और कैसे इसे रिमूव करना है वो भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। तो ये जो पील ऑफ मास्क है ये रिमूव्स इम्प्योरिटीज, आपके फेस से जो भी इम्प्योरिटीज हैं, दाग धब्बे हैं, उन्हें रिमूव करता है और आपकी जो स्किन टोन है उसे लाइट करता है। जस्ट ओनली वन यूज, फर्स्ट आप जब भी इसे फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तभी से आपकी जो स्किन है उसे लाइट करता है। तो इंग्रेडिएंट्स है एक्वा, एल्कोहल, पॉलीविनाइल, हनी। तो ये सभी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और इसे यूज कैसे करना है, डायरेक्शंस जो भी इन्होंने बताई हुई हैं, अप्लाई 10 रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क इवनली ओवर क्लींस फेस एंड नेक। तो आपको अपना फेस पहले क्लीन करना है अच्छी तरह से, आप फेस वॉश यूज कर लीजिए और कोई भी मेकअप आपके फेस पे नहीं होनी चाहिए तो ये अच्छे से वर्क करेगा। और फिर आपको इसे अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, नेक एरिया पे भी आपको अप्लाई करना है इसे, और इसे ड्राई होने के लिए रहने देना है 10 से 15 मिनट। तो आज मैं इसे आपको अप्लाई करके बताऊंगी अपनी स्किन के ऊपर और इसका एक डेमो दूंगी मैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको रिमूव टैन, लाइटन स्किन टोन। तो आपकी जो ये टैन को रिमूव करता है, जो भी आपको धूप के साथ जो जैसे कि फेस के ऊपर टैन हो जाती है उसे रिमूव करता है और आपकी स्किन को लाइट करता है, सूथ स्किन, और स्किन को सूथ करता है। ये जो पैकेजिंग है 50 ग्राम की पैकेजिंग है और मैंने इसे यहाँ पे लोकल स्टोर से ही परचेज किया है। आप इसे चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और हाँ, ये जो पैकेजिंग है 50 ग्राम की पैकेजिंग है और 75 रुपीज में मुझे ये मिली है। इससे बड़ा भी होगा, बड़ा पैक भी हो सकता है इसका, और इससे छोटा भी है जो कि 50 रुपीज में है। तो अभी मैं इसे अप्लाई करके बताती हूँ आपको। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको अपने अकॉर्डिंगली इसका अमाउंट लेना है और इवनली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे अप्लाई कर रही हूं। हाथ से अप्लाई करना ठीक रहेगा इसे, क्योंकि अगर आप ब्रश वगैरह से अप्लाई करेंगे तो ये चिपक जाएगा उसके साथ। और आपने इसे लगाने से पहले ना अपने बालों को बांध लेना है, जैसे कि आपके बाल ना चिपके। अब सॉरी, जैसे मेरे ये बाल अभी इसके साथ चिपके हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है इससे। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफी हार्ड है। और इसे अप्लाई करना काफी इजी है। मैं इसे नेक के ऊपर नहीं अप्लाई करूंगी, आप चाहो तो आप कर सकते हो लेकिन मैं नहीं करूंगी इसे। तो आप देख रहे हैं मैंने इसे पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। बस आपको इसे आईज के कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना है कई बार, क्योंकि इनमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके आईज को हार्म कर सकते हैं। मैंने अपने फोरहेड पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिए इसे, आईब्रोज के ऊपर भी आपने इसे नहीं करना है अप्लाई। और हाँ, अगर आपका धोखे से अप्लाई हो भी जाता है कहीं पे, जैसे हेयर्स में अटक जाता है, तो आपको ऑयल लेना है, एक कॉटन के साथ ऑयल लगाना है उसे और उसके साथ ऐसे रिमूव कर लेना है, तो ये रिमूव हो जाएगा इजिली, धोखे भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया है इस टाइम। तो अभी इसे मैं 10 से 15 मिनट्स के लिए रहने दूंगी अपनी स्किन के ऊपर, जैसे ही ये ड्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये सूख चुका है अभी, तो अभी मैंने इसे रिमूव करना है।
ये ऐसे रिमूव होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रिमूव कर दिया है। तो इसमें जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, जैसे बेबी हेयर्स, वो निकले हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से। और जैसे कि ये रह गया ना, जैसे धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा, तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट निकल ही चुका है मेरा तो, जैसे ये, तो ये आप जैसे फेस वॉश करेंगे तो उसके साथ में निकल जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रिमूव कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।